वॉशिंग मशीन की वजह से महिलाओं को बहुत सारे कपड़े एक साथ धोने में आसानी हो गई है। नहीं तो वॉशिंग मशीन आने से पहले एक एक कपड़ा धो के सारी महिलाएं परेशान हो जाती थी, लेकिन अब ज्यादातर सब वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हैं, जिस कारण काम आसानी से हो जाता है। लेकिन जितनी भी मशीन्स होती है उनके अंदर जो छोटे पार्ट्स होते हैं जो साफ नहीं कर सकते, उसमें बहुत कचरा जम जाता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े तो पूरी तरह साफ धुल जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि साफ कपड़े धोने वाली मशीन कितनी साफ और आपके स्किन के लिए कितना सेफ है? आप सोचोगे वॉशिंग मशीन से आपको कौन सी तकलीफ हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक बच्चे को वॉशिंग मशीन की वजह से स्किन डिसीज की तकलीफ हुई और ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है वो भी बताऊंगी। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। 4-5 साल के बच्चे को बॉडी पे काफी खुजली आने लगी और रेड रैशेज होने लगे। उसकी माँ को लगा कि ये नॉर्मल रैशेज है, इसीलिए उसने बॉडी पे कोल्ड क्रीम और मरहम लगाया, लेकिन उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। उल्टा बच्चे की बॉडी पे रैशेज बढ़ने लगे और काफी जलन महसूस होने लगी। इसीलिए उसकी माँ ने उस छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने बोला कि खाने की वजह से नॉर्मल इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने उसके लिए दूसरे बॉडी क्रीम और लोशंस दिए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। बच्चे की बॉडी पे रेड रैशेस और स्पॉट्स बढ़ने लगे। बॉडी के रैशेस काफी बढ़ने लगे, जिस कारण बच्चे को जलन महसूस होने लगी। रात में सो भी नहीं पाता था और ना स्कूल जा सकता था। बच्चे की ऐसी हाल देख के उसकी माँ काफी परेशान थी और इसीलिए उसने बच्चे को हर्बल चीजों का इस्तेमाल करके स्नान करवाया। कई बार हर्बल चीजें गुणकारी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे की तकलीफ थोड़ी भी कम नहीं हुई। रैशेज और रेड स्पॉट्स पूरे बॉडी में फैलने लगे, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को एडमिट करके ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। काफी परेशान होने की वजह से बच्चे की माँ मान गई उसे एडमिट करने, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले बच्चे की माँ ने सारी घटना अपनी माँ को बताई। बुजुर्गों के पास हर परेशानी का नुस्खा होता है, उसी तरह बच्चे की नानी ने कहा कि ये सारी परेशानी की वजह वॉशिंग मशीन है। बच्चे की माँ समझ नहीं पाई वॉशिंग मशीन से कैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया। तब बच्चे की नानी ने कहा कि घर की वॉशिंग मशीन टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती है, क्योंकि कपड़े धोने के बाद जो वॉशिंग मशीन में पानी रह जाता है उसमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, जिस कारण कपड़े धुल जाने के बाद भी इन बैक्टीरिया के वजह से स्किन इन्फेक्शन होता है। उसके सिवा वॉशिंग मशीन के अंदर के मशीन में जो जंग लगती है उससे भी हानिकारक बैक्टीरिया निकलते हैं। अब उसके ऊपर उपाय कौन सा है? बच्चे की नानी ने बताया कि वॉशिंग मशीन में मशीन क्लीन करने की टैबलेट डालने की और वॉश साइकिल बटन प्रेस करने का, जिससे वॉशिंग मशीन के अंदर का पूरा बैक्टीरिया निकल जाएगा। बच्चे की माँ ने पूरी मशीन को वॉश साइकिल से साफ किया और देख के शॉक थी कि कितना गंदा पानी निकला उसमें से। पूरी मशीन साफ होने के बाद उसने बच्चे के कपड़े फिर से धोए। उसके बाद बच्चे को कपड़े पहनने पर उससे कोई तकलीफ नहीं हुई और उसके बॉडी पे रैशेज भी धीरे धीरे कम होने लगे। फिर 2-3 दिन बाद बॉडी के पूरे रैशेज और रेड स्पॉट्स ठीक हो गए। तो देखा आपने कि किस तरह से वॉशिंग मशीन के कारण बच्चों को स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों की स्किन काफी कोमल होती है, जिस वजह से जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए आप भी अपने बच्चों को ऐसे इन्फेक्शन से दूर रखना चाहते हो तो मशीन क्लीन करने की टेबलेट डाल के वॉश साइकिल से मशीन साफ करें। कम से कम 6 महीने में तो करना ही चाहिए, जिससे मशीन अंदर से ज्यादा गंदी नहीं होगी। रोज कपड़े धोने के बाद मशीन का ढक्कन खुला रखें, इससे अंदर का पानी सूख जाएगा और बैक्टीरिया जमा नहीं होंगे। ये काफी जरूरी है सबके लिए, इसीलिए ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, ताकि किसी के बच्चों के साथ ऐसा स्किन इन्फेक्शन ना हो। आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।